स्वागत है आप सभी का वीकली एपिसोड टेक अपडेट एपिसोड नंबर 10 आई गेस 10 ही होगा या कुछ अगर गलत होगा तो टाइटल में लिखा ही होगा। टेंशन की कोई बात नहीं है, शुरू करते हैं वीकली टेक एपिसोड। क्या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थी लास्ट वीक और क्या लॉन्चेस होने वाले हैं इस वीक, सभी चीज के बारे में पता चलेगा वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलेंगे क्या, अभी तो चालू कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं इस वीक के इम्पोर्टेंट टेक अपडेट से। अपडेट की बात करें आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से। आपके मेरे सभी के फोन में व्हाट्सएप होगा और सभी को खोलते से ही दिखता होगा कि हमारा जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो अपडेट हो गया है। उसे अपडेट कर लीजिए, रिव्यू कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करना नहीं है क्योंकि उसका जो डेट है वो एक्सटेंड हो गया है 15 मई तक। वो तो काफी पहले की न्यूज है, लेकिन तब चला कि व्हाट्सएप क्या कर रहा है कि आपको खोलते ही अगर आप स्विच कर रहे हो, एप्स को इन बिटवीन स्विच कर रहे हो, तो ऐसा कुछ लोगों के साथ हो रहा है कि इन बिटवीन स्विच के टाइम पे ही अचानक से फ्लैश होगा वो बैनर और आप घाई घाई में उसको एक्सेप्ट कर दोगे या कुछ भी कर दोगे। और अगर आप उसको ऊपर, जैसे हर एक जगह बैनर आता तो आप कैसे कैंसिल का ऊपर एक बटन होता है, एक्सेप्ट या डिक्लाइन का नीचे होता है एक कैंसिल का बटन होता है, वहां पे कैंसिल का बटन दिख ही नहीं रहा है। तो आप कुछ भी अगर बटन दबा रहे हो तो सोच समझ के दबाना। अगर आपको लगता है कि नहीं, हम हमारा डेटा फ्री में व्हाट्सएप को देने को तैयार है, फ्री इन सेंस हम हमारी जितनी भी प्राइवेसी चीजें है व्हाट्सएप के ऊपर, जो भी हमने बातें की है, जो भी फोटो शेयर की है, वो खुला खुला व्हाट्सएप उसको यूज करे, तो आप तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर नहीं चाहते हो, अगर चाहते हो कि नहीं भाई सब जो भी हमारी बातें हुई है, फोटो शेयर हुई है, उसको थोड़ा प्राइवेट ही रहने दो, तो उसको देख के भाई एक्सेप्ट डिक्लाइन पे क्लिक करना। काफी लोगों के साथ अभी ऐसा हो रहा है, काफी लोगों ने ना चाहते हुए भी उसे एक्सेप्ट बात करें। वो आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग गैलेक्सी A72, गैलेक्सी A52 दोनों ही स्मार्टफोन बताए जा रहे हैं ए सीरीज के, वो लॉन्च हो सकते हैं 5G वेरियंट के साथ। तो सैमसंग भी आजकल काफी स्ट्रांग हो रहा है मिड बजट सेगमेंट के अंदर। आज ही सैमसंग ने A32 लॉन्च किया है, बेहतरीन फोन है, प्राइस थोड़ी ज्यादा है, लेकिन वो ऑफलाइन सेंट्रिक फोन है। तो ए सीरीज जो है वो सैमसंग की ऑफलाइन सेंट्रिक है, तो थोड़ा प्राइस भी हाई रहता है उनका। लेकिन बताया जा रहा है कि A72 और A50 जो A32 की जैसा ही दिखने वाला फोन है, एमोलेड स्क्रीन होगी, अच्छी बैटरी होगी, अच्छा प्रोसेसर होगा, लेकिन बताया जा रहा है कि साथ ही साथ जो प्रोसेसर होगा वो 5G कैपेबल प्रोसेसर होगा। तो अगर किसी को 5G फोन लेना है सैमसंग का ए सीरीज का, तो वो वेट कर सकते हैं A52 या A72। वो आ रही है पोको की तरफ से। पोको का बताया जा रहा है कि X3 प्रो भी लॉन्च हो सकता है इसी महीने, और मई में लॉन्च हो सकता है पोको का F3। भैया F2 तो इंडिया में आया नहीं, F2 प्रो भी इंडिया में आया नहीं। अब देखिए F3 की बातें हो रही है और बताया जा रहा है कि साथ ही साथ लॉन्च होगा X3 प्रो। तो उम्मीद तो ये है कि X3 प्रो पहले लॉन्च हो जाएगा इंडिया में, उसके बाद शायद पोको F2 आवे या पोको F3 आवे, वो देखने वाली बात होगी कि कैसा वो डिसाइड। नेक्स्ट अपडेट की बात करें वो आ रही है वीवो की तरफ से। वीवो का X60 जो सीरीज है वो मार्च में लॉन्च होने वाला है, वो कंफर्म हो गया है। न्यू फोन आएंगे, RGB कैमरा भी है आपको इसमें देखने को मिलेगा, RGBW कैमरा आपको देखने को मिलेगा, और ये आएगा 2021 के एंड में, सॉरी 2021 के सेकेंड हाफ में ही आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन बताया जा रहा है कि जो X60 सीरीज है वो हो सकता है कि मार्च में आवे, या अगर मार्च में नहीं आती तो आने वाले कुछ एक दो महीने में आपको वीवो की फ्लैगशिप सीरीज होने वाली है। तो वीवो के फ्लैगशिप फोन्स X60 सीरीज के फोन्स जल्दी ही आपको इंडिया में लॉन्च होते हुए देखेंगे। अपडेट की बात करें तो, बड़ी अपडेट की बात करें तो वो आ रही है जियो की तरफ से। जियो ने दावा किया है, दावा इन सेंस रिपोर्ट हुआ है कि जियो काम कर रहा है एक लो कॉस्ट बजट जियो बुक के ऊपर। मतलब लैपटॉप का नाम भी डिसाइड हो गया है ऑलमोस्ट जियो बुक, जैसे अलग अलग नोटबुक आती है ना, सैमसंग की नोटबुक, मी की नोटबुक, लिखने वाली नोटबुक नहीं, लैपटॉप की मैं बात कर रहा हूं, तो वैसे ही अब एक जियो बुक आएगा। ये एक लो कॉस्ट लैपटॉप होगा और ये 4G कैपेबल होगा। तो मतलब आप इसके अंदर जियो सिम लगा के आप 4G पे इसको यूज कर सकते हो। अगर आपके पास वाईफाई नहीं है, सिर्फ जियो सिम लगाइए, यूज कीजिए लैपटॉप को, वीडियो कॉल कीजिए, नॉर्मल जो आपका माइक्रोसॉफ्ट के सारे ऐप्स है वो चल जाएंगे, ब्राउजिंग कर सकते हो, मेल्स चेक कर सकते हो। बहुत हाई एंड नहीं होने वाला, लेकिन बजट सेक्टर, बजट अंदर जियो अपना लैपटॉप ला सकते हैं जियो। इम्पोर्टेंट अपडेट की बात करें वो आ रही है माइक्रोमैक्स की तरफ से। माइक्रोमैक्स ने कहा है कि वो जो माइक्रोमैक्स के CEO है राहुल शर्मा आई गेस, तो उन्होंने कहा है कि हम काम कर रहे हैं बजट टू मिड रेंज आपको देखने को मिलेंगे 5G फोन माइक्रोमैक्स की तरफ से। एग्रेसिव प्राइसिंग होने वाली है, एग्रेसिव मतलब ये नहीं कि आप सोचोगे 15-10 हजार में 5G फोन आ जाएंगे माइक्रोमैक्स के, नहीं, 20-25 हजार की रेंज के माइक्रोमैक्स के कुछ स्मार्टफोन्स जल्दी ही आने वाले हैं, जिसमें आपको 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, वन ऑफ द बेस्ट कैमरा होंगे, वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले होगी। तो ओवरऑल माइक्रोमैक्स भी कुछ एक अच्छे धमाके करने वाला है बताया जा रहा है, वो भी अच्छा टक्कर दे सकता है MI और रियलमी जैसी कंपनी को। इंडियन कंपनी है, सपोर्ट करना बनता है। जो नोट सीरीज थे वो माइक्रोमैक्स की दी बेस्ट सीरीज थे,
अभी तक के जो माइक्रो मैक्स ने लॉन्च किया सबसे बेस्ट सीरीज थे। देखते हैं 5G फोन कब लेके आते हैं, क्या प्राइस में लेके आते हैं और क्या स्पेसिफिकेशन के साथ लेके। नेक्स्ट अपडेट की बात करें वो आ रही है iPad की तरफ से। iPad मिनी प्रो लॉन्च हो सकता है सेकेंड हाफ ऑफ 2021 में। न्यू एप्पल पेंसिल होगी उसके साथ और साथ ही बताया जाएगा कि चेंजेबल निब भी होगा, मतलब एप्पल पेंसिल का जो निब होता है उसको आप चेंज कर पाओगे। तो अभी तक वो सपोर्ट नहीं था, लेकिन अब जो एक iPad मिनी आने वाला है, iPad प्रो मिनी आने वाला है, वो सेकेंड हाफ में आएगा 2021 के। तो उसके अंदर आपको एक एप्पल पेंसिल, एक पूरी ही अलग एप्पल पेंसिल देखने को मिलेगी और चेंजेबल निब के साथ वो आती हुई देखने को मिलेगी। तो शायद उसको आप एज अ ब्रश यूज कर पाओगे, मोटा पतला वो आई गेस जो भी होगा वो एप्पल iPad मिनी प्रो के लॉन्च के साथ ही। बात करें वो एक्सक्लूसिव अपडेट है, सैमसंग अपना जल्दी ही एक M सीरीज का नया स्मार्टफोन लेके आने वाला है। अब वो M61 होता है या M71 होता है वो देखने वाली बात होगी, या M51 का ही सक्सेसर लेके आता है देखने वाली बात होगी। लेकिन मिड बजट के अंदर एक अच्छा तहलका मचाने वाला है जो फोन कम्पीट कर सकता है Xiaomi Note 10 Pro Max को, Realme 8 Pro को। तो ये एक्सक्लूसिव अपडेट है, ये आपको किधर भी देखने को नहीं मिलेगा, एक्सक्लूसिव अपडेट है ये मेरे सोर्सेस के थ्रू कि सैमसंग जल्दी ही अगले महीने या इस महीने के एंड में M सीरीज का भी एक नया स्मार्टफोन लेके आ सकता है। नेक्स्ट वीक में लॉन्च होने वाले, मतलब इस वीक में लॉन्च होने वाले अपडेट्स की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक ही अपडेट है, वो है मोटरोला की तरफ से। मोटरोला अपने नए G10 या G9 सीरीज के जो स्मार्टफोन है वो लॉन्च करने वाला है 9 मार्च को। तो अगर लाइव इवेंट होता है तो वो आपको हमारे ही चैनल पर देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। 9 मार्च को मोटरोला लॉन्च करा अपना G10 सीरीज, आई गेस G10 या G9 सीरीज लॉन्च करा है। बजट रेंज के फोन होते हैं मोटरोला के, देखते हैं वो फोन लॉन्च हो रहे हैं। और ओप्पो का जो बैंड है वो भी लॉन्च हो रहा है, फिटनेस बैंड। हाँ, सच कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फिटनेस बैंड ही एक लॉन्च हो रहा है तो उसका तो कोई इवेंट होने वाला नहीं है। तो दो ही प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं इस वीक के अंदर। नेक्स्ट वीक बात करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीक के अंदर कुछ एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।